23 दिसंबर 2020 की बात है। नेकी नाम से मशहूर हरनेक सिंह पर रास्ते में कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों के एक समूह ने उन पर 40 से ज्यादा बार चाकू से हमला कर दिया। हमले में हरनेक सिंह को 350 से ज्यादा टाके लगे हैं और उनकी कई बार सर्जरी भी की गई, लेकिन जैसे तैसे करके डॉक्टर ने हरनेक सिंह की जान बचा ली है। बता दें, हरनेक सिंह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक रेडियो स्टेशन चलाते हैं। जानकारी के मुताबिक हरनेक सिंह अपने रेडियो पर खालिस्तान का विरोध करते थे, जिसकी वजह से उन पर एक खतरनाक हमला किया गया है। हमलावरों की पहचान सरबजीत सिंह सिद्धू के रूप में हुई है, जो 27 साल का है। दूसरा आरोपी सुप्रीत सिंह है, जो 44 साल का है, और तीसरे आरोपी का नाम फिलहाल नहीं बताया गया है, लेकिन वो भी 48 साल का ही बताया जा रहा है, जो ऑकलैंड का रहने वाला है। ऑकलैंड कोर्ट की ओर से मुख्य आरोपी जो नामजद है, उसे 13 साल की सजा सुनाई गई है। दूसरे आरोपी को 9 साल की सजा सुनाई गई और तीसरे आरोपी को 6 महीने के लिए घर के अंदर कैद करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक हरनेक सिंह भारत के पंजाब के रहने वाले हैं और वो न्यूजीलैंड में एक बड़ा रेडियो नेटवर्क चलाते हैं। ऑकलैंड पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने कई दिनों तक हरनेक की रैकी की थी, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को टारगेट कर उस पर हमला कर दिया। कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी धार्मिक कट्टरपंथी को देश में अशांति फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वही दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरनेक सिंह की ओर से खालिस्तानियों को एक बड़ा और कड़ा संदेश भेजा गया, जिसमें हरनेक सिंह कह रहे हैं कि आप मुझे मारने आए थे, लेकिन आप लोग कामयाब नहीं हो पाए, आप लोग असफल रहे। आगे हरनेक सिंह ने कहा, मैं अपनी राय जैसे व्यक्त करता आ रहा हूँ वैसे ही करूँगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सद्देका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।